देश की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहता है, लेकिन 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं। ऐसे में हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान करीब 10 बार पीएम मोदी का जिक्र किया था और भारत के बारे में सिर्फ 5 बार ही बोला था, तो भला विपक्ष ये मौका कैसे छोड़ता। सुषमा के स्पीच पर कटाक्ष करते हुए शशि थरूर ने कहा कि कोई यूएन को राजनीतिक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि भगवा दल ने विदेशी प्लेटफॉर्म का राजनीतिकरण किया है। इससे पहले थरूर ने सुषमा स्वराज के संयुक्त राष्ट्र में भाषण को प्रचार करार दिया था, जिसकी बीजेपी ने आलोचना भी की थी। इस पर भी पलटवार करते हुए थरूर ने ट्विटर पर लिखा, सुषमा स्वराज के भाषण को प्रचार बताने के लिए बीजेपी द्वारा आलोचना किए जाने से मैं खुद को धनी महसूस कर रहा हूं। देश और अपने प्रदेश की अन्य खबरों के लिए आप एएनवी न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।